सिवनी मालवा सरकार के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय बालिका सम्मान सुरक्षा दिवस संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिवपुर के थाना परिसर में हुए कार्यक्रम में थाना पुलिस और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं और बालिकाओं को कानूनी जानकारी के साथ अपने अधिकारों से भी अवगत कराया। शिवपुर के थाना परिसर में महिला बालिका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस संवाद कार्यक्रम रखा गया। थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने महिलाओं को अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए इस बाबत सभी महिलाओं को अवगत कराया। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी रेखा यदुवंशी ने शासन द्वारा सुरक्षा संबंधित योजनाओं से अवगत कराया। ग्राम कजली की अनीता कीर ने कहा कि ग्राम से सरेआम पुरुष वर्ग शराब पीकर उत्पात मचाते रहते हैं। इस बाबत कई बार थाना शिवपुर आकर रिपोर्ट भी लिखवाई गई, पर कोई कार्यवाही नहीं होने से शराबियों के हौसले बुलंद है। ग्राम शिवपुर की उर्मिला धनवारे एवं वार्ड से आई महिलाओं ने शराब दुकान ठेकेदार रवि द्वारा वार्ड की महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत थाना प्रभारी से की थी। महिलाओं का कहना है कि शराबियों द्वारा पेयजल नलों पर शराब की बोतलें तोड़ी जाती है, जिसे वहां महिलाएं पीने योग्य पानी नहीं भर पाती। हाई स्कूल से आई छात्राओं ने कहा कि शराब दुकान स्कूल के पास होने से छात्राएं भयभीत है। स्कूल जाते वक्त शराबी लोग रास्ते में अड़चन पैदा करते हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि रवि ठेकेदार पर तुरंत कार्यवाही की जाए। थाना प्रभारी ने महिला से कहा कि तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर रेखा यदुवंशी। आज का हमारा जो कार्यक्रम था सम्मान सुरक्षा स्वरक्षा संवाद, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था महिलाओं को सक्षम बनाना। यहाँ पर महिलाओं को इसीलिए इकट्ठा किया गया था कि ये गाँव में जाकर के इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें, ताकि गाँव में दूसरी महिलाओं को सक्षम बना सके। धन्यवाद। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री बनने के बाद खरगोनाए विधायक बालकृष्ण पाटीदार का नगर में भव्य स्वागत किया गया। युवा समर्थकों में स्वागत की होड़सी मच गई थी। जगह जगह उन पर फूलों की वर्षा की गई। बुजुर्गों ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मंत्री बनने से खरगोन में समर्थक खुश हैं। कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय जनता ने भी इस पर उत्साह दिखाया है। पाटीदार के राज्य मंत्री बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इधर पाटीदारों को थोड़ा मलाल यह भी है कि सरकार को 4 साल बीत चुके हैं, आखिर 8 महीने बचे हैं और वोटों की खातिर मंत्री बनाना था तो पहले ही बना देते, तो खरगोन जिले के लिए एवं मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा खुशी की बात रहती। खैर, जब जागो तभी सवेरा। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। विदिशा के लटेरी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गुरु भाई से 40,000 में खरीदी गई महिला के साथ 5 आरोपियों द्वारा 11 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी तरह भोपाल के डायल 100 कंट्रोल की सूचना पर पीड़िता थाने तक पहुंची और FIR दर्ज कराई। महिला के साथ विदिशा के थाना लटेरी ग्राम रामपुर में 11 दिनों तक सामूहिक बलात्कार को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। थाना लटेरी में 4 फरवरी रविवार को दर्ज अपराध के मुताबिक सामूहिक बलात्कार मामले में पीड़िता द्वारा कुल 5 लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिसमें जगदीश भूरा, वीरेंद्र निवासी रामपुरा थाना लटेरी सहित सुनील नामक आरोपी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक महिला को बैरसिया थाना क्षेत्र में बीती 24 जनवरी को आरोपियों द्वारा खरीद कर रामपुरा लाया गया था, जहां उनके साथ 11 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। यह खुलासा भी हुआ है कि पीड़िता के गुरु भाई ने ही उसे 40,000 रुपए में बेचा था। पीड़िता के गुरु भाई ने बहन का सौदा करने के दौरान फर्जी दस्तावेजों का भी उपयोग किया था, जिसमें महिला का नाम गलत अंकित है। रविवार को डायल 100 के माध्यम से थाने पहुंची पीड़िता की फरियाद पर पुलिस ने तत्काल 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरी में चिकित्सक नहीं होने के कारण महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए सिरोंज भेजा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें जैसा कि अभी तक की जांच में पाया गया है विदिशा में कि वो अपने गुरु भाई के साथ भोपाल में थी, तो वहाँ से उसके द्वारा जो है 40,000 रुपये में इसको जगदीश गुजर को बेचा गया है और फिर ये यहाँ पर इसको लेकर आया है। इसकी पूरा एडमिशन चल रहा है। इसमें एक और भी कौन कौन लोग हैं इस महिला के बयानों के आधार पर जो प्रोसेस किया गया है। अभी तक कितने लोगों को इसमें पकड़ा गया है आरोप? अभी तक तो केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है जगदीश गुजर जो है इसमें, तो बाकी के जो और भी जो उसमें नाम आए हैं, उसके जो साथ में लोग थे, उसका भाई बुरा है और उसके गांव के 2 लोग और हैं, उस सबकी पता चल किया जा रही है। जो है
यहाँ से दो पार्टियां बनाकर भेजी गई है चोर के लिए कार्रवाई करने। लटेरी से विमल शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य पद यात्रा का अमलाई नगर में पहुंची। इस यात्रा का शुभारंभ 12 जनवरी को उमरिया जिले के शिव भक्तों ने पूरी उड़ीसा से किया था। यह शिव भक्त पूरी से समुद्र जल लेकर भजन कीर्तन करते हुए पैदल ही अपने जिले की ओर चल पड़े। दिव्य यात्रा में शिव भक्त हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आज 12 बजे अमलाई नगरी पहुंचे, जहां पर जगह जगह लोगों ने दिव्य पद यात्रा का स्वागत किया। वहीं प्रशासन के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी अपनी सीमा तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। दिव्य यात्रा के संयोजक संजय पांडे ने बताया कि हम हर वर्ष यह पैदल ही कोई ना कोई तीर्थ करते हैं और लोगों को भी करवाते हैं। वहीं थाना अमलाई से SI रोशन लाल पांडे व उनके सहयोगियों के द्वारा यात्रा को अपने थाना सीमा तक पहुँचाया गया। मेरा नाम संजय पांडे है जी, मैं पदयात्रा का संयोजक हूँ। हम लोग कामाख्या धाम नरवार जिला उमरिया से जुड़े हुए सभी भक्तगण हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय किसी न किसी तीर्थ से जल लेकर चलते हैं और उसी जल से शिव जी का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। इस बार हम लोग जगन्नाथपुरी उड़ीसा से चले हैं 12 जनवरी को और 14 फरवरी को महाशिवरात्रि को समुद्र के जल से अभिषेक करके हमारी यात्रा सम्पन्न होगी। हमारी यात्रा का उद्देश्य सभी भक्तजनों को तीर्थ यात्रा कराना, साथ ही धर्म के प्रति जागरण पैदा करना, समरसता, गौ की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, नारी का सम्मान, जल संरक्षण जैसे पुनीत कार्यों को, महत्ता को समाज में फैलाना है और यही उद्देश्य लेकर भजन गाते बजाते सभी पदयात्री पैदल चलते हुए कामाख्या धाम तक जाते हैं। आप कितने दिन हो गए निकले आप लोग? 12 जनवरी को हम लोग पूरी उड़ीसा से चले थे। अच्छा, ठीक। रोशन लाल पांडे जैसा आई हूँ। हम लोगों को सूचना मिली थी कि पदयात्रा आ रही है और अगस्त में हम लोग रहते ही हैं, उसी दौरान रोड व्यवस्था के लिए हम लोग आप लोगों के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक रोड व्यवस्था देखेंगे उसके बाद आगे लोग मिल जाएंगे तो आगे। ठीक सर, धन्यवाद। अमलाई से पंकज राव की रिपोर्ट।